हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं। हमसे किसी ने पूछा कि सर, आई विल प्ले क्रिकेट और आई वुड प्ले क्रिकेट, इन दोनों में अंतर क्या है? आप वुड का तो बहुत सारे यूज जानते होंगे, लेकिन यह थोड़ा डिफरेंट है। मतलब यह है कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई प्ले क्रिकेट, और मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई वुड प्ले क्रिकेट, ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आखिर हम यूज कब करेंगे विल और कब वुड। गागेगी फ्यूचर टेंस होता है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, इसको आई विल प्ले, आई विल ईट, आई विल रीड अप बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप यहाँ पर वुड भी रख देंगे तो सेंटेंस का मतलब वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो प्रॉब्लम अब ये होती है कि आखिर वुड कब होगा, विल कब होगा। तो आपको हम बता दें, वुड का यूज प्रेजेंट के लिए होता है और विल का यूज फ्यूचर के लिए। अब ये बड़ा ही कंफ्यूजन वाला वर्ड है। अगर हम ये कहें कि प्रेजेंट के लिए आप वुड यूज करेंगे तो मैं पढ़ूंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, अब ये प्रेजेंट कैसे हो गया? ये तो गा गेगी है तो फ्यूचर होगा। तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हम एग्जांपल के तौर पर आपको देते हैं। मान लीजिए हम आपके घर पर आते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के घर, और फ्रेंड्स मुझे ऑफर करता है, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? मान लीजिए फ्रेंड क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, उसने मुझे ऑफर किया, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? तो मैं उससे क्या कहूंगा? हाँ, मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। मैं कहूंगा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, यह प्रेजेंट में हुआ कि हाँ, अब हम रेडी हैं क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन अगर मेरा मूड नहीं है, मैं ये कह दूं कि मैं क्रिकेट कल खेलूंगा, तो यह फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। समझिए, आई वुड प्ले क्रिकेट मतलब कि हम रेडी हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इसका हिंदी हुआ हाँ, मैं क्रिकेट खेलूंगा। लेकिन आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, इसका मतलब यह हुआ कि मैं प्रेजेंट में रेडी नहीं हूं, मैं यह काम आने वाले समय में करूंगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, वुड का मतलब होता है कि आप प्रेजेंट में कोई काम करने वाले हो। मान लीजिए मुझे चाय पूछा गया कि आप चाय पियेंगे, तो मैंने कहा कि हाँ मैं चाय पीऊंगा, तो आई वुड टेक टी, मैं चाय पीऊंगा, मतलब कि अभी तुरंत आप ला के दे सकते हैं, मैं पी लूंगा। लेकिन मेरा मूड नहीं है, हम कल पर अगर रख देते हैं कि मैं कल पीऊंगा, तो हम कहेंगे आई विल टेक टी टुमारो। तो यहां पर जब टुमारो की बात हो जाएगी तो विल का प्रयोग करेंगे, और अभी प्रेजेंट की बात होगी तो आप वुड का यूज करेंगे। आशा है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आई वुड प्ले क्रिकेट और आई विल प्ले क्रिकेट में अंतर क्या है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।